रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब एक बड़ी अजीब सी बात है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो टॉपिक है वो ना रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है, जिसमें दो किस्म के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं, और गारंटेड आपके पेपर में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का कोई ऐसा पेपर आज तक बना ही नहीं है जब से CBSE बोर्ड चल रहा होगा जिसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की थ्योरी और उसका न्यूमेरिकल ना आया हो, 100% आएगा। मतलब कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है ना, जो आने ही आने हैं, उनमें से वो टॉपिक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो रे ऑप्टिक्स का पार्ट है, उसमें रेज से हम बनाते हैं और लेंस की मैग्नीफिकेशन निकालते हैं कि एक माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्ट छोटे से बड़ा दिखता है और टेलीस्कोप में दूर से पास दिखता है। तो दो किस्म के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक माइक्रोस्कोप है और एक टेलीस्कोप है। उन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आप एक और चीज़ निकाला करते हैं जिसको मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं, और आपने 10th में पढ़ा हुआ है जिसको मैग्नीफिकेशन बोलते हैं लेंस की। मैग्नीफिकेशन को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैग्नीफिकेशन बड़ी है, ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्जेक्ट आपको बड़ा दिखेगा, लेस देन 1 है तो छोटा दिखेगा, ऐसा 10th में आपने सुना हुआ है। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की दो पावर्स होती हैं, एक होती है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब कितना बड़ा दिखेगा ऑब्जेक्ट का इमेज, दिखेगी कितनी बड़ी दिखेगी, वो मैग्नीफाइंग पावर है, इसको मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं। यहां पर हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड हैं रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर की कहानी कुछ ऐसी है, मान लो आपके पास एक टेलीस्कोप है जो दूर के ऑब्जेक्ट को पास करके दिखा रहा है। अब इमेजिन करो दो स्टार्स हैं, एक स्टार नहीं है जो टेलीस्कोप से मुझे देखना है। वो दो स्टार्स बहुत दूर हैं, मुझे ये पता नहीं लग रहा कि वो दो हैं कि वो एक है, मुझे लग रहा है वो चिपके हुए हैं या उनमें गैप नहीं है। तो मुझे ये तो पता है कि वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, और ये भी पता है कि स्टार तो है पर एक है कि दो पता नहीं। इमेजिन करो माइक्रोस्कोप बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा रहे, वो ऑब्जेक्ट इतनी पास हैं कि बस मतलब कि ऐसा लग रहा है कि वो दो एक ही ऑब्जेक्ट है, वो दो है ही नहीं, पर रियलिटी में क्या है, अंदर गैप है, एक्चुअल में दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इमेजिन करो तीसरा एग्जांपल, मैंने आखिरी स्टूडेंट को कहा कि आपको इस पैराग्राफ के अंदर कुछ दिख रहा है, उसने कहा कुछ दिख तो रहा है, कुछ काले काले अक्षर लिखे तो हुए हैं, क्या इसमें गैप दिख रहा है वर्ड्स में, वो कहती इतना नहीं मुझे पता, बस पता है कि कुछ काली सी पट्टी दिख रही है या कुछ लाइनें दिख तो रही हैं पर डिटेल नहीं पता अंदर क्या है। तो बहुत दूर का स्टूडेंट इसके अंदर गैप ढूंढ नहीं पा रहा, हालांकि उसको दिख रहा है कि कुछ है तो है, पर ये नहीं पता कि जो वर्ड्स हैं उनमें कुछ गैप भी है। ठीक, तो अगर आँखों की रिजॉल्विंग पावर सही है या ऑब्जेक्ट बहुत पास पड़ा हुआ है तो आप देख पाएंगे हर अक्षर में स्पेस भी है, तो यानी कि आपकी आंखों की रिजॉल्विंग पावर सही है, आप दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग देख पा रहे हैं। अब मेरी आंखें मान लो, मेरी पास की निगाह बहुत ख़राब है और ये तीन बैठे हैं, अब मैंने चश्मा उतार लिया, मुझे लग तो रहा है कि कुछ बैठा तो हुआ है, अब ये तीन है या एक है मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ है यहाँ पे, बस एग्जैक्टली मेरी रिजॉल्विंग पावर सही नहीं है। मैग्नीफाइंग पावर तो ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज तो मुझे इतना बड़ा नज़र आ रहा है, पर ये नहीं पता लग रहा कि अंदर गैप भी इनके बीच में, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर यही है कि वो उस ऑब्जेक्ट को दो करके दिखाए, दो हैं तो दो ही करके दिखाए, उसकी रिजॉल्विंग पावर है। रिजॉल्विंग पावर का क्वेश्चन 101% आपके बोर्ड के अंदर आना ही आना है। और क्या आना है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, बस फॉर्मूला है, आपके NCERT में सिर्फ फॉर्मूला है, इसका प्रूफ भी नहीं है। तो है क्या रिजॉल्विंग पावर, इट इज द पावर टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, तो पहला पॉइंट ये। दूसरा, सपोज करो ये हमारी आंखों की स्लिट है, देखो हमारी आईज हैं, इसमें ओपनिंग है, इस आईज की ओपनिंग के पीछे एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, और पीछे रेटिना लगा हुआ है जिसके ऊपर जो पर्दा जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर इमेज बनती है। तो ये वो पर्दा है, ये आंखों की ओपनिंग है, लेंस मैंने दिखाया नहीं, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़े हुए हैं जिनमें गैप है, अब देख सकते हो ब्लैक है वाइट है, ब्लैक है वाइट है, तो इनमें गैप है। अब मेरी आंखों को इनको कैसे दिखाना चाहिए, गैप है तो गैप दिखना ही चाहिए, और अगर मुझे ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि यार कुछ है तो है काला काला लेकिन गैप है कि नहीं मुझे पता नहीं लग रहा, इसका मतलब मेरी आंखों की रिजॉल्विंग पावर सही नहीं है, यानी कि या तो इनके बीच में दूरी बहुत पास है या दूरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत पास में भी प्रॉब्लम होती है, बहुत दूर में भी प्रॉब्लम होती है। अब इमेजिन करो यहाँ से ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी और मेरी आंखों में एंटर करेंगी। रे ऑप्टिक्स का एक फिनोमिन है, किसी भी ऑप्टिक्स का फिनोमिन है, लाइट पहले ऑब्जेक्ट पे गिरती है, उस ऑब्जेक्ट से टकरा के मेरी आंखों में एंटर करती है, तभी मैं किसी चीज़ को देख पाता हूँ।
तो लाइट यहां से टकराई होगी ऑब्जेक्ट में, आंखों में एंटर किया और रेटिना पे गिरी। अब असली प्रॉब्लम क्या है, रिजॉल्विंग पावर का टॉपिक डिफ्रैक्शन में क्यों एंटर करवाया गया? ये तो रे ऑप्टिक्स का काम है, हमने क्या करना, हमने करना है। जैसी लाइट एंटर हुई मेरी आंखों की ओपनिंग के कॉर्नर से वो बेंड हो गई, ये देखो लाइट आई और ये देखो बेंड हो गई, इसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन हो गई। तो यहां पर क्या हुआ, लाइट बेंड हो गई और ये देखो पर्दे पे ऐसे गिर गई, और यहां से भी लाइट आई इस कोने से बेंड हो गई, पूरी आंख के कोनों से लाइट बेंड हो गई। बेंड होके उसने ओवरलैपिंग कर दिया, ये देखो लाइट की ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ओवरलैप हो गया। अब ओवरलैपिंग से क्या हुआ, मेरे को ये ऑब्जेक्ट यहां नजर आ रहा है, मेरे को ये ऑब्जेक्ट यहां नजर आ रहा है, मेरे को लग रहा है कि एक ही ऑब्जेक्ट है, मुझे गैप नजर ही नहीं आ रहा। तो पूरे रेटिना के ऊपर लाइट ही लाइट गिरी हुई है ऑब्जेक्ट से टकरा टकरा के, और गैप बिल्कुल भी नहीं आया, जबकि यहां पर गैप आना चाहिए था। जैसे ही गैप है वो अलग डायग्राम बनना चाहिए था, पर यहां पर देख रहे हो ओवरलैपिंग है। तो रेटिना के ऊपर ऑब्जेक्ट की इमेज ही इमेज बन गई, मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा, ये डिफेक्टिव आई है, इसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पे लें और यहां पे अगर आप एक स्लिट लें, ये एक स्लिट है आंखों की ओपनिंग है, और सॉरी यहां पे नहीं, ये रही, ये एक स्लिट है यहां बना लेना, और ये ओपनिंग है। तो होगा क्या, अगर मान लो यहां से लाइट आई डिफ्रैक्शन हुआ, लाइट आई डिफ्रैक्शन, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं हुई, ओवरलैपिंग से एक ऑब्जेक्ट अलग दिख रहा है, एक ऑब्जेक्ट अलग दिख रहा है, मैं डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूं। तो मेरी आंख इसमें क्या कर पा रही है, आईज क्या कर पा रही है, दो ऑब्जेक्ट को रिजोल्व कर पा रही है। रिजोल्व करने का मतलब अलग अलग देख पा रही है, ये कॉन्सेप्ट है। इसलिए इसको इस टॉपिक में एंटर किया गया क्योंकि बेंडिंग ऑफ लाइट डिफ्रैक्शन का टॉपिक है। अब इसके अंदर अगर मैं आंख को छोड़ दूं और अगर मैं लेंस की बात करूं, तो ये एक लेंस है, आप देख सकते हो, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप के अंदर एक लेंस है, टेलीस्कोप के लेंस का एक डायमीटर है, इसको ओपनिंग बोलते हैं, जिसको अपर्चर बोलते हैं या डायमीटर बोलते हैं, अपर्चर है या डायमीटर है। तो ये डायमीटर क्या है, ए डायमीटर है। लाइट आई और उसने ये एंगल कितना बनाया, डेल्टा थीटा एंगल बनाया, ठीक। अब डेल्टा थीटा की जो वैल्यू होती है, हमने डेरिवेशन नहीं करनी, याद करना है डेल्टा थीटा किसी भी लेंस का क्या होता है, जब यहां पर फोकस करेंगे वो होता है 0.60 लैम्डा बाय ए बाय 2। बड़ी अजीब सी वैल्यू, कैसा फॉर्मूला है ये, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, 2 ऊपर चला गया 1.22। आपको कि ये कैसा फॉर्मूला है डेल्टा थीटा का, ये फॉर्मूला कहां से आया, इसकी ब्रीफ थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, लेकिन हमने करना नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1.22 लैम्डा इज इक्वल टू ये रहा ए लैम्डा, ए डेल्टा थीटा, एंगल स्मॉल है तो, और वैसे भी 1.22 को अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 1 लिखूं, एंगल स्मॉल है तो इसकी जगह साइन थीटा लिखा जा सकता है। डिफ्रैक्शन की कंडीशन देखो, ए साइन थीटा 1 लैम्डा, अंदर आंखों में क्या हो रही है, डिफ्रैक्शन, लेंस ने क्या किया, डिफ्रैक्शन बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन की कंडीशन से कहीं ना कहीं यहां से आता 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 ये डायग्राम, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये एंगुलर सेपरेशन है, एंगुलर विड्थ जिसको बोलते हैं, ये कुछ ऐसा केस है, हमने नहीं करना, हमने कुछ नहीं करना, बताया है मैंने कि जिन्होंने प्रूव किया होगा ऐसा कुछ प्रूव किया। हमने क्या करना है, हमने इसमें डेल्टा थीटा की वैल्यू को याद करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, लिख लें डेल्टा थीटा की वैल्यू, और डेल्टा थीटा के ऊपर लिख लें दिस इज नोन एज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर भी कर सकते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज डेल्टा थीटा, ये पेपर में आता है, व्हाट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, पता नहीं लगता पेपर में कि निकालना क्या है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डेल्टा थीटा निकालने को बोल रहा है। तो डेल्टा थीटा का फॉर्मूला नोट करें, टेलीस्कोप के अंदर 1.22 लैम्डा बाय ए है, रे इज द डायमीटर ऑफ द लेंस है, क्लियर है यहां तक, तो डायमीटर ऑफ लेंस है। रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू क्या होती है, ये आएगा पेपर में, वो या तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप होती है जितना ये एंगल छोटा बनेगा, मतलब ये वो मिनिमम एंगल है कि जिससे कि आप दो ऑब्जेक्ट को अलग देख सकते हो, तो इसका रेसिप्रोकल होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का। तो इसका फॉर्मूला बनेगा ए पॉइंट 1.22 लैम्डा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर किसी ने वेव ऑप्टिक्स के PYQ किए हों, तो क्या रास्ते में ऐसा कोई फॉर्मूला यूज हुआ था, हुआ था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, PYQ के अंदर भी आएगा, बहुत आता है बोर्ड में। तो मेरे ख्याल से अगर 10 साल का बोर्ड का पेपर लिया जाए ना,
मेरे को लगता है 8 साल में तो आपको रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन आया ही हुआ है, अब इससे ऊपर तो क्या ही बोलूँ मैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, आता फॉर्मूला ही है, प्रूफ आप कुछ नहीं आता, बस फॉर्मूला है। जैसे रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप भी आता है, टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है उसमें एक लेंस है, जो माइक्रोस्कोप है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बल्ब होता है, लाइट जलती है, लाइट आ रही है तो ये यहाँ पे कन्वर्ज हुई, और ये आधा एंगल, पूरा एंगल नहीं है, अब ये आधा एंगल कितना है, थीटा, हाफ एंगल, और ये ट्रांसमिट मीडियम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इसमें डिफाइन किया गया मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रेजोल्यूशन, वो मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन था, ये मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रेजोल्यूशन है। तो टेलीस्कोप में मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन का एप्लीकेशन है, डेल्टा थीटा याद होना चाहिए, और इसके अंदर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रेजोल्यूशन है, इसको डी मिनिमम बोलते हैं। तो डी मिनिमम या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रेजोल्यूशन क्या चीज़ है, कि वो मिनिमम डिस्टेंस है, अगर आपने इससे छोटा डिस्टेंस कर दिया तो आप दो ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको वो एक ही नज़र आएगा, तो आपका डिस्टेंस इससे कम नहीं होना चाहिए, ये मिनिमम टू मिनिमम है। तो डी मिनिमम का फॉर्मूला याद करना है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रेजोल्यूशन 1.22 लैम्डा बाई 2 म्यू साइन थीटा, ये याद करना है, कोई डेरिवेशन नहीं करनी, कोई है ही नहीं इसकी, मतलब हमारे सिलेबस में हाँ आया, ये डिफ्रैक्शन ही हुआ, ये बात पक्की है। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में जो होता है वो 1/d मिनिमम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डी मिनिमम की वैल्यू हमें पता है, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये फॉर्मूला नोट कर लें, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इंपॉर्टेंट है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप पे पक्का फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये नोट कर लें। दूसरी चीज ये नोट कर लें, इसमें म्यू साइन थीटा न्यूमिनेटर में है, इसको ऑप्टिकल अपर्चर बोलते हैं, ऑप्टिकल अपर्चर म्यू साइन थीटा। फिर मैंने इसमें रिवाइज करवाया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या था, ए बाय 1.22 लैम्डा, माइक्रोस्कोप का ये रहा। अब इसमें डिनोमिनेटर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप सेम है, 1.22 लैम्डा, चेक कर लो, डिनोमिनेटर दोनों में 1.22 लैम्डा, याद करने का तरीका। टेलीस्कोप में न्यूमिनेटर में क्या आता है, अपर्चर, ए फॉर लेंस का डायमीटर मीन्स अपर्चर, तो सिर्फ अपर्चर आता है, और माइक्रोस्कोप में ए साइन थीटा क्या आता है, ऑप्टिकल अपर्चर, मतलब माइक्रोस्कोप का अपर्चर ए साइन थीटा है, टेलीस्कोप का अपर्चर ए है, बस ये फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला याद करने हैं, फॉर्मूला याद करें, अपर्चर किसे बोलते हैं ये याद करें, टेलीस्कोप में ए है, माइक्रोस्कोप में ए साइन थीटा है। मैंने किसी और बुक से भी लिया ये, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सेम डायग्राम है, इस डायग्राम में रिजॉल्विंग पावर पता है, और रिजॉल्विंग पावर को कैसे लिखा गया, 2 को इससे डिवाइड कर दिया, तो ऐसा भी ऑप्शन दिख सकता है पेपर में, 0.61, ये मत कहना हमने किया नहीं, 1.22 को सूट 2 से क्या किया हुआ है, डिवाइड, और ऐसा भी दिख सकता है रिजॉल्विंग पावर इज, दिस इज न्यूमेरिकल अपर्चर अपॉन 0.61 लैम्डा, क्योंकि म्यू साइन थीटा अपर्चर न्यूमेरिकल अपर्चर है। तो इसके अंदर अब क्या करेंगे, इसमें टेलीस्कोप का सेम फॉर्मूला हमने कर लिया, पेपर में आने वाला सबसे फेमस क्वेश्चन ये है, बोर्ड में पढ़ ले, डिफाइन रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, हाउ डज इट गेट्स अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। आप इस वहम में मत रहें कि आपको पेपर में आएगा, हाँ हम याद करके आए हैं राइट रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, तो 2 नंबर दिए और 90% आ गए, मतलब ही नहीं है, आपको ये आएगा ही नहीं क्वेश्चन डायरेक्ट, तो कभी भी नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो डिफाइन रिजॉल्विंग पावर और बताओ वो कैसे चेंज होती है, बाय इंक्रीजिंग द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में 2 किस्म के लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्ट के पास पड़ा हुआ लेंस जिसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और आंख के पास पड़ा हुआ लेंस जिसको आईपीस बोलते हैं। ये दो, इसमें इतनी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये जो एक ही लेंस यूज कर रहा है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्ट के पास पड़ा होता है। तो इसमें वो कह रहे हैं अपर्चर से कैसे चेंज होगा। अब किसी भी टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप का जो अपर्चर है वो न्यूमिनेटर में होता है, अगर आप न्यूमिनेटर अपर्चर बढ़ाएंगे तो अब जो रिजॉल्विंग पावर है वो दोनों की क्या हो जाएगी, इंक्रीज ही होगी, बात ही खत्म। और फोकल लेंथ का क्या चेंज है, रिजॉल्विंग पावर में फोकल लेंथ यूज ही नहीं हुई, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोकल लेंथ, चेंज ही नहीं होती। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपके पेपर में आती है।